हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मेरा नाम है निपुण अग्रवाल और आप जानते हैं नमस्ते एंड जय हिंद। और आपका वापस स्वागत है ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज़ में। और आज जिनसे मिलने वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा मेरे पास डिमांड आया हुआ था कि भाई प्लीज़ इनके साथ एक वीडियो बनाओ, इनकी लाइफ के बारे में बताओ। आप गेस कर सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ? अगर नहीं तो उससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए ताकि आप समझ जाएँ कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। So guys, now you know we're talking about none other than Rohit Rajput. Rohit, welcome. Hi. All right. So बहुत सारे लोग आपके बारे में पूछ रहे थे कि हमको रोहित राजपूत के बारे में जानना है, कौन है ये, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। और सबको पता है कि अगर इंडिया में किसी की बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग फिजिक है तो वो आपकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फिगर भी हैं आप। तो क्या ऐसा आपको और लोगों ने भी बोला है, आप जानते हैं इस बारे में? हाँ, एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी और मेरे फैमिली वाले भी ये बोलते हैं कि तू इस लाइन में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। हाँ। और नहीं कर रहा है, बट उस चीज़ को क्यों सीरियसली क्यों नहीं लेता है इस चीज़ को? एक्चुअली मैं लेता तो सीरियसली हूँ, बट कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी, मैं एक्चुअली घर में बड़ा हूँ अपने, ओके, तो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कुछ। और कुछ मैं इस लाइन में ना पेशेंस चाहिए थोड़ा, मैं बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहता इस लाइन में कि बहुत जल्दीबाजी करूं मतलब आगे जाने के लिए। आप तो बहुत पेशेंट हैं, मैं आपको, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको 5 साल से जानता हूं। हाँ, मुझे बताया आपने, आप जैसे मुझे जानते हैं 5 साल से, बट हाँ ये है कि मेरे को टाइम तो काफ़ी हो गया वर्कआउट करते, और मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं इस लाइन में बहुत आगे तक कुछ ना कुछ जरूर करूँ। ओके, सो रोहित अपने अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, आपने कब वर्कआउट चालू किया था, क्या रहा है आपकी जर्नी? मैंने स्कूलिंग टाइम से ही वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। जब मैं 7th-8th में था तो थोड़ा बहुत मतलब फिटनेस के लिए अपने कजन्स के साथ ऐसे वॉक करने चले गया, एथलेटिक वर्कआउट कर लिया कुछ ना कुछ, मतलब रेसलिंग वगैरह, उस टाइम रेसलिंग का थोड़ा क्रेज था। आप कुछ अखाड़े वगैरह के बारे में बता रहे थे। अखाड़े में जाना शुरू कर दिया हमने, तो अखाड़े में जाके वहाँ पे पुशअप्स वगैरह लगाना, उनको देखना जो सीनियर्स थे वहाँ पे कि भी कैसे कुश्ती लड़ते हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा भी। और एक बेसिकली स्ट्रॉन्ग चीज भी है अखाड़ा, अगर देखा जाए आपको वहाँ पे बहुत मतलब मतलब एक वर्कआउट आप इस लेवल पे कर सकते हैं कि अपनी फिटनेस, आप मेरे को लगता नहीं कि जिम से ही सब कुछ अचीव होता है, वहाँ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ तो अखाड़े वाले से बहुत आती है, बहुत स्ट्रेंथ आती है वहाँ से, और बिल्कुल प्योर डाइट लेते हैं। करेक्ट बोलो, बट अब तो काफ़ी चेंज आ गया है उस चीज़ में, आजकल तो रेसलर भी मतलब ऑलमोस्ट सारे मतलब सप्लीमेंटेशन ही, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, वो प्योर तो बहुत कम रह गया, गांव वगैरह में शायद फिर भी मिलता हो लेकिन शहरों में नहीं है। तो आपने अपनी जर्नी अखाड़े से शुरू की थी और आप बोल रहे हैं 7th class, तो मैं समझता हूँ आप कम से कम 15-18 साल की बात कर रहे हैं, 15 की एज में। और फिर मैंने एक्चुअली जब थोड़ा रेसलिंग करना स्टार्ट करा, रेसलिंग करते करते थोड़ा ऐसी शौक चढ़ गया, उस टाइम सलमान खान की मूवी आई थी, उसमें सॉन्ग आया था ओ जाने जाना, करेक्ट, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट करा मेरे को वो चीज़, अब मैं सलमान का फ़ैन भी था काफ़ी पहले से, तो मेरे को अट्रैक्ट करा और मैं मतलब शौक चढ़ा कि भाई नहीं, अब मेरे को थोड़ा सा फिजिक में मेरे डेवलप हुआ खाड़ा जाके, तो मतलब मेरे को काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला यार तो जिम जाना स्टार्ट करना, तो मैं जिम में गया वहाँ पे, तो जिम में गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ बॉडी बिल्डर्स थे काफ़ी, मैं अट्रैक्ट हुआ उनको देख के, मैंने कहा यार ऐसी बॉडी बनानी है मुझको भी, तो बॉडी बनाने के चक्कर में देख के फिर
मैं उनसे पूछता भी भैया भैया करके, मैं कहा भैया कैसे बॉडी बनेगी आपकी, बट वो एटीट्यूड में एक अपना अलग ही, मतलब कि वो चल चल इधर से, मतलब दूसरी तरफ खड़ा हो जाके करने दे हमें वर्कआउट, उनका अपना एटीट्यूड था मतलब एक अलग। बट मैं फिर भी मैं उनको करता करता वर्कआउट उनको चुपचाप देखता रहता था कि भाई हाँ मतलब कर रहे हैं। बट एक मैंने वो चीज़ ये मतलब नेगेटिव उसमें नहीं लिया, मैंने पॉजिटिवली उस चीज़ को मैं ये लेके गया अपने माइंड में रख लिया। हाँ। अपने माइंड में रख के उस चीज़ को, और फिर मैंने पॉजिटिवली ये लिया, मैंने कहा मैं एक ना एक दिन तुझे बीट जरूर करूँगा। तो क्या वो दिन आ चुका है? आना बाकी है। उस टाइम YMC का कॉन्टेस्ट होता था, उसको मैंने वहाँ बीट भी कर दिया था सिर्फ 2 ईयर्स में। बहुत बढ़िया। उसी प्ले और वो फिर वही प्लेयर, मतलब उसका जो ग्रुप भी था उस बंदे का, तो वो मेरे से मतलब वहाँ पे जिम में ये भी कहते अपनी थाई दिखाई यार। फिर मतलब कुछ टाइम बाद अपनी थाई, मतलब प्रिपरेशन टाइम पर थोड़ा आते कि अपनी थाई दिखाई यार, अपने लेग्स दिखाई, फिर मुझे एक मतलब अच्छा भी लगता था अपने आप से। फिर मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत इंक्रेज करते थे उस टाइम में कि कहते थे यार तू बहुत कुछ कर सकता है। और उस टाइम सप्लीमेंटेशन वगैरह भी कुछ नहीं था। कितने साल पुरानी बात है? एटलीस्ट मेरे ख्याल से 12-13 ईयर्स तो हो गए होंगे। ठीक है। और उस टाइम सप्लीमेंटेशन में अमीनो के डब्बे आते थे उस टाइम पे, और एक डब्बा हम 4-5 जने बांटते थे उसको, क्योंकि कॉस्टली इतना सप्लीमेंटेशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फैमिली वाले भी मतलब एक बार ये सोचते थे स्कूलिंग टाइम में तो, कि पैसे मांगते हुए भी डर लगता था कि भाई क्या कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई की जगह जिम पे खर्च कर रहा है, क्या खा रहा है, मतलब डब्बे खा रहा है और क्या। और उस टाइम क्रेज भी ये था पब्लिक में, मतलब अगर एक मतलब फैमिली से बोलना और एक दूसरे फिर बाहर से, मतलब थोड़ी सा मतलब इम्प्रूवमेंट होते कि डब्बे खा के बॉडी बना ली, मतलब करेक्ट। हाँ मतलब एक ये चीज़ ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो ऐसे ही जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने आप को पेशेंसली मैंने मेंटली सेटअप कर लिया था अपने आप को कि मैं हाँ कि मुझे अब ये करना है इसी फील्ड में। हाँ मतलब उस टाइम तो खैर इतना इसमें ये भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ये था कि आपको मिलेगा या मतलब कुछ ऐसा वो था, क्योंकि एक सर्टिफिकेट एक मेडल था। बिल्कुल। और फेडरेशंस भी नहीं थी। हाँ, जैसे आज इतनी सारी फेडरेशन, सिर्फ एक फेडरेशन थी जब मैं खेलता था, और आज के टाइम में तो इतनी फेडरेशंस हो गई हैं कि यही समझ नहीं आता किस प्लेयर को कहाँ खेलना चाहिए। हाँ, बहुत सारे छोटे-छोटे ये भी रीजन है काफी जो मैं नहीं खेलता हूँ आज के टाइम में, कि फेडरेशन इतनी डिवाइड हो चुकी है फिर उन सबकी पॉलिटिक्स। और मैं चाहता हूँ कि इंडियन एथलीट हर कहीं कंट्री में डिजर्व करते हैं, और लोग बाग ये कहते हैं कि ओलंपिया में डिजर्व नहीं करते, मैं कहता हूँ कि ओलंपिया में भी डिजर्व करते हैं इंडियन एथलीट, बट उनको उस तरीके से मिले तो कुछ, उनको कंपनियां स्पॉन्सर करें अच्छी, उनको फेडरेशन सपोर्ट करें जिस फेडरेशन से वो खेल रहे हैं। तो ओलंपिया लाना इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली आ जाएगा, क्योंकि हैं ऐसे एथलीट हमारे इंडिया में जो उनको बीट कर सकते हैं, बट वो वहीं के वहीं दबे रह जाते हैं। मेरी तरह ही ले लो, मैं काफ़ी पॉलिटिक्स का शिकार हूँ। ठीक है। मैं काफ़ी मतलब आप बता रहे थे कि आपने जब अपना अच्छी फॉर्म को छोड़ा था वो भी एक पॉलिटिक्स की वजह से छोड़ा था। बिल्कुल। मैंने मतलब नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी, क्योंकि वो भी बहुत बड़े एथलीट हैं नॉर्थ इंडिया में, और मैं बिल्कुल उस टाइम पे ऐसा था कि नया नया था, बट नया नया ऐसा था कि वो पुराने पुरानों को पछाड़ रहा था। तो मतलब सबको ये हो गया था कि भाई बॉडी बिल्डिंग में पता था कि कौन है मतलब रोहित, और मतलब उस टाइम पे तो मैं नॉर्थ इंडिया खेलने गया था जब, तो उसमें नॉर्थ इंडिया खेलते के साथ ही मतलब मेरे को सेकंड प्लेस दे दी थी, और मैं डिजर्व करता हूँ, मतलब जो पब्लिकली भी सारे मतलब वहाँ पे शोर करने लग गए थे कि भाई फर्स्ट आना चाहिए आपका, लेकिन आपको सेकंड, हाँ सेकंड क्यों दे रहे, क्योंकि जजिंग एक वो मैं मानता हूँ रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, जजिंग वो कर रहे हैं, बट आपको अगर 1000 आदमी अगर कुछ आपको बोल रहे हैं कि भाई नहीं आप ये डिजर्व करते थे, आपके साथ साफ साफ मतलब, फिर मैंने मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा ये लिया कि मैं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपने छोड़ दिया फिर? छोड़ा भी, फिर फैमिली भी, बॉडी बिल्डिंग को छोड़ दिया था मैंने। बॉडी बिल्डिंग से मैं अलग हो चुका था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा मन ये टूटा, वर्कआउट मैं करता ही रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने वर्कआउट छोड़ा अपना, वर्कआउट मैं करता रहा, मैंने कभी तो टाइम आएगा, बिल्कुल कुछ तो आएगा, ठीक, तो वर्कआउट मैं अपना प्रॉपर करता रहा, डाइट अपना लेता रहा, बट फैमिली से भी थोड़ा ये हुआ तो इतने पैसे खर्च करता है यहाँ पे। ठीक है, मेरे फादर एक ये नहीं है कि भी बहुत रिच हैं, मतलब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर जॉब करते हैं, उस टाइम तो मैं कुछ भी नहीं करता था, आज के टाइम में तो चलो थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी अर्न करते हैं, उस टाइम तो मैं कुछ नहीं करता था, सारा फैमिली उठाती थी खर्चा स्कूलिंग टाइम में, तो उस टाइम जब खर्चा उठाते तो उनको भी थोड़ा ये लगता था यार ये कर क्या रहा है, मतलब उसमें उस टाइम भी कॉस्टली आती थी सप्लीमेंट, थे कम, मतलब शौक किया है तो कर लिया लेकिन अब इतने पैसे मत खर्च कर। हाँ इतने पैसे मतलब खर्च कर और फिर भूखा मरता है, उस टाइम मतलब फैमिली वालों को ये होता था कि भाई इतना भूखा क्यों रहता है, और मतलब ठीक है तू अभी इतना ही ठीक है, खाम खाम भूखा मत मरा कर,
और फिर थोड़ा बहुत मतलब इसमें ये भी होता है कि अपने आप को टैन करो करेक्ट प्रिपरेशन टाइम में, तो ये फीलिंग्स हर कोई नहीं समझ पाता। जब फैमिली के सामने ये चीज़ें आती हैं तो फैमिली ये बहुत फील करती है यार हमारा बच्चा मतलब कि उनको तो परेशानी दिखती है ना कि बच्चा परेशान हो रहा है अपने को कष्ट दे रहा है। हाँ वो कोई पेरेंट्स नहीं चाहते। हाँ पेरेंट्स मतलब समझते हैं इस फीलिंग को कि यार हमारे बच्चे को हमने कितने मतलब बड़ा कराया कष्ट से और हम वो बच्चा हमारा मतलब उस चीज़ को पाने के लिए और मतलब क्या क्या। एक बॉडी बिल्डिंग एक ईजी गेम नहीं है, तपस्या ही है, बहुत टफ गेम है, बट अगर उसको सही तरीके से लें तो सबसे अच्छा गेम है। सही तरीके से मतलब? सही तरीके से मींस मतलब नेगेटिव उसमें ना जाएं, जो आजकल की न्यू जनरेशन जा रही है नेगेटिव उसमें। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा समझें, ये गेम कोई जल्दीबाजी का गेम नहीं है, ये गेम तो कोई एक साल दो साल वाला गेम नहीं है, ये गेम थोड़ा पेशेंस। तो ये तो उल्टी बात हो गई, क्योंकि आजकल तो हम यही देखते हैं कि कोई लड़का नया आया वो 6 महीने में बॉडी भी अच्छी बना लेता है, मेहनत से बनाता है नो डाउट, और जो भी वो करता है अपने शरीर के साथ वो 6 महीने में 1 साल में बहुत अच्छी बॉडी भी बना लेता है और 2-3 बार मिस्टर दिल्ली 2-3 बार मिस्टर इंडिया भी 1 ही साल में बन जाता है। वो इसीलिए तो होगा क्योंकि ये पॉसिबल है या नहीं? देखो सब आज के टाइम में मैं एक तो जो सोशल मीडिया हमारी आ गई है तो उस पर कुछ थोड़ा सा मतलब एथलीट नए आते, मैं ये नहीं कह रहा गलत है वो चीज़, थोड़ा सा फेमस होते हैं उनमें एटीट्यूड एक इस लेवल का आ जाता है, मतलब थोड़ा उस चीज़ को समझें कि भाई आप पहले उस चीज़ को अचीव कर लें अपनी लाइफ में, कि भी अगर वो चीज़ एटीट्यूड आप दे रहे और आप उस चीज़ को एक नॉलेज से लेके चलें। फिटनेस को ये नहीं कि आप 1 महीने में 2 महीने में आर्नोल्ड बन जाओगे correct. या आप किसी मतलब पुराने एथलीट को या किसी को भी मतलब डिसरिस्पेक्ट करो, अब चाहे वो आपसे कम भी है आज के टाइम में उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो कम से कम, क्योंकि जो चीज़ आपने अचीव नहीं करी होगी वो बहुत कुछ अचीव कर चुका है। तो सबसे पहले तो ये है कि अपनी कंट्री में एक एथलीट की रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके और बॉडी बिल्डिंग मेरे ख्याल से सबसे डिजर्विंग गेम है जो रिस्पेक्ट चाहिए जिसको। तो आप अभी यही बता रहे थे ना कि बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ पेशेंस, इसका क्या मतलब है आपका? पेशेंस मतलब इसमें ये चाहिए कि बहुत जल्दीबाजी ना दिखाएं इस गेम में। इस गेम में जल्दीबाजी इस वजह से ना दिखाएं कि आप चाहे मेरे को ही ले लो, आप मेरे को देख के अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ मेरे को ऐसी बॉडी बनानी है, बट आप ये मत सोचिए कि उसमें कि 2 महीने में 3 महीने में आप उस बॉडी को अचीव कर लोगे या मैं 1 साल में तो मतलब अच्छे अच्छे एथलीट को बीट कर दूंगा। और बनते भी हैं, बन भी रहे हैं आज के टाइम में फ्रेश बिल्कुल काफ़ी बन भी रहे हैं, बट मैं ये बता दूं कि खाली इंडिया तक ही एथलीट मत रहो, अपना एक गोल अपना एक मतलब ये रखो कि मुझे इंटरनेशनली भी बहुत कुछ करना है माइंड सेटअप। इंडिया में ही रह के मतलब सब कुछ मानता हूँ कि हमारी कंट्री में मतलब अचीव करोगे आप बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप कंट्री का नाम बाहर जाए, इसी वजह से हमारा ओलंपिया नहीं आ पा रहा, क्योंकि अच्छा। फिर वो जो पुराने एथलीट होते हैं वो फिर साइड आ जाते निकल जाते हैं। हाँ जी तो बहुत डिजर्विंग एथलीट हैं हमारी कंट्री में बहुत। तो एक बात बताओ आप कि अभी आप जिम से और वर्कआउट से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो अगर किसी भी नए लड़के को अपनी अच्छी फिजिक बनानी है, कम्पीट करने के लिए बनानी है या फिट रहने के लिए बनानी है, तो 3-4 चीज़ें क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो पेशेंस। पेशेंस में मतलब ये जरूरी है कि आप कम से कम नहीं तो 3 या 4 मंथ्स अपना नेचुरल निकालो जिम में आके, थोड़ा अपने बॉडी फ्रेम को डेवलप करो, आपको मतलब सप्लीमेंटेशन में आना है अब, और सप्लीमेंटेशन में क्या क्या वो अंडर गाइडेंस लीजिए किसी ना किसी की, ठीक है, खाली अपने आप से गूगल से पढ़ के YouTube या YouTube से मतलब देख के, क्योंकि सब सोचते हैं कि जे कटलर ये ले रहा है, फिलिप ये ले रहा है, जेरमी ये ले रहा है, तो मैं भी मतलब यही ले लूँ या वो इतना भारी उठा रहे हैं मैं ये ले लूँ, बट यार अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर अपनी लाइफ अपने हाथ में सब कुछ, ठीक है, आप वो चीज़ उसको ये देखो कि उन्होंने कितना साल बिताया उस चीज़ में करने के लिए अचीव, आप सब कुछ, आपकी फैमिली भी है आपके पीछे, आपके मतलब सारे मतलब एक पूरी फैमिली आपके ऊपर बिलीव करके बैठी है कि आप उस चीज़ को आप सोच रहे, आप अच्छे दिखोगे बाहर से बहुत अच्छे दिखोगे आप, बट इंटरनली क्या होगा, कभी भी कोई सामान लेता है या कुछ लेता है, कभी टेस्ट नहीं कराते यहाँ इंडिया में, मैंने बहुत चीज़ें देखा है, कभी ना तो एक प्रेप से पहले टेस्ट कराते हैं ना प्रेप के बाद कभी टेस्ट कराते हैं, और ये बहुत जरूरी चीज है। तो बिना टेस्ट प्रेप से बिना टेस्ट कराए तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या क्या कमियां हैं? देखो और कोच हाँ देगा मैं, कैसे मैं बताता हूँ उस चीज का क्या होता है। हमारे इंडिया में ना एक मतलब एक एथलीट्स में एक ये चीज आ गई है कि वो थोड़ा ये सोचते हैं कि वो ये सामान ले रहा है तो मुझे भी यही सामान मतलब बड़ा तगड़ा रिजल्ट देगा, उसको दे दिया तो मुझे भी हाँ मुझे भी यही लगेगा, ठीक, बट ऐसा कुछ नहीं है, सबका बॉडी टाइप एक अलग होता है, सबका मेटाबॉलिज्म एक अलग होता है, ठीक है, सबका ब्लड एक अलग उसमें रेशियो में होता है, तो उसका सबका उस हिसाब से ही सप्लीमेंटेशन डाइट सब कुछ उसके अकॉर्डिंग वो करना चाहिए।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल कोचेस भी बहुत तरीके के ठीक है, जो कोचेस ही प्रॉमिस करते हैं कि 6 महीने में बॉडी भी निकल बनवा दूंगा, एब्स भी निकलवा दूंगा और मिस्टर डेली या मिस्टर व्हाटएवर भी बनवा दूंगा, तो एक अच्छा जेन्युइन कोच कैसे ढूंढे? देखिए, जेन्युइन कोच वही है जो आपको पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए आपको उस चीज़ के लिए कि देखो ये कोई बहुत जल्दी का गेम नहीं है। आपको अगर कोई ये सपने दिखाए कि आप एक साल में मैं आपको आर्नोल्ड बना दूंगा, आप ओलंपिया खेल लेंगे, या मतलब आप नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आप उस चीज़ को समझिए थोड़ा, ठीक है। वो सिर्फ आपका, वो आपका कोच नहीं है, फिर वो आपको अपना बिजनेस चला, अपना बिजनेस चला रहा है वो उस चीज़ से, वो आपको गाइड नहीं कर रहा है। आप मेंटेन करिए अपने आप को, आप किसी के अंडर में कर रहे हैं तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए ये कि भाई आप वो जो बता रहा है उसको प्रॉपर फॉलो करिए, ठीक है। आप फॉलो करेंगे उसको तो फिर आप देखिए कि मेरे को अगर गाइड कर रहा है बंदा तो मतलब कितना अपना भी 100% दे रहा है गाइडेंस में। मेरे पास सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आते हैं काफ़ी एथलीट्स के भी, यंगस्टर्स के भी, कि भैया आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, यार वैसे काफ़ी मतलब मेरे हैं भी जो मैं जिनको मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, बट मैं काफ़ियों को मना करता हूँ, सिर्फ मना ये करता हूँ, सबको ये चाहिए कि 3 महीने में बढ़िया और आप जैसी बॉडी बनवा दो, बस 6 महीने में मेरे को आप जैसी बॉडी। अब मैं कैसे उनको जवाब देता हूँ, 15 से भी ज्यादा साल लगे हैं ये बॉडी बनाने में। मैं खुद मतलब सोचता हूँ कि मैं कैसे उनको मतलब, अगर मैं चाहूँ तो झूठ भी बोल सकता हूँ कि मैं बोल दूँ कि हाँ हाँ औरों की तरह कि हाँ भाई तुम 2 महीने में मैं रेडी कर दूंगा, ये सामान लगा वो सामान नहीं, बट इतना ये मैं सारे कोचेज के लिए भी बोलूंगा ये चीज़ कि इतना छोटा लालच मत करिए कि भाई आप इनकम सोर्स के लिए आप ये सोचें किसी की लाइफ के साथ खेलें आप। बिल्कुल। सो रोहित, हमने यूट्यूब पे एक रिक्वेस्ट डाली थी कि किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो उसके हमें आंसर, हम आंसर दिलवाएंगे एक सीनियर पर्सन लाइक जैसे आप हैं उनसे, तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आई है, तो मैं वो क्वेश्चंस पढ़ूंगा जो आप ही के क्वेश्चंस हैं और रोहित उनके जवाब देंगे, करें? हाँ जी। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा भैया, बिल्कुल फर्स्ट कि मैं अभी तक इस लाइन में सीख रहा हूँ सब कुछ, मतलब लर्न करता हूँ मैं हर, मैं अगर जिम में जाता हूँ ना वर्कआउट करने तो मेरा जो हेल्पर होते हैं वहाँ पे जिम में काम करते हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ कुछ ना कुछ, लर्न करता हूँ मैं वहाँ पे जो वर्कर्स हैं काम करते हैं, मतलब कोई भी है टू जेड, चाहे ट्रेनर है चाहे कुछ है, वो भी कहते हैं भैया आप ये बता, मैं उनसे बताने की जगह मैं उनसे सीखता हूँ खुद, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है इस लाइन में, रोज़ चीज़ें नई आती हैं, रोज़ जाती हैं, तो उस चीज़ को समझना चाहिए लोगों को। रोहित ये तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा टच इस वजह से होता हूँ, मैं इस गेम से बड़ा दिल से जुड़ा हुआ, मतलब फीलिंग्स ऐसी जुड़ी हुई है इस गेम से कि बस बहुत जब मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है मतलब इस गेम के। तो रोहित, आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग आपको एरोगेंट मानते हैं, हाँ जी, वो शायद इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, हाँ। है ना, आप थोड़ा रिजर्व नेचर के हैं, लेकिन जो आप बातें भी आज बता रहे हैं ना वो तो बिल्कुल ही मतलब ऐसी हैं कि वो किसी के भी दिल को पिघला दे। मेरे को काफ़ी मतलब बोलते हैं कि लोग एरोगेंट है या मतलब, बट मैं एरोगेंट नहीं हूँ, अगर मैं थोड़ा कम बोलता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं एरोगेंट हूँ। और द फैक्ट दैट आप इस लेवल पे भी आने के बाद, जबकि यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन नॉर्थ इंडिया, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, आप आज भी सोचते हैं कि आप सीख रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल लर्न कर रहा हूँ अभी मैं इस लाइन में, और मैं चाहे किसी भी लेवल पर जाऊँ मैं लर्न ही करता हूँ, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि ये ऐसी नहीं कि आप परफेक्ट हो, MBA की डिग्री मिल गई हो गया, हाँ, आपने कोई भी, आप क्योंकि ये लाइन है थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए आपको इस लाइन में, अगर आपके पास प्रैक्टिकल है तो थ्योरिकल जरूरी है, ठीक है, क्योंकि काम प्रैक्टिकल को ही करना है, मोस्टली काम प्रैक्टिकल को करना है। आजकल ऐसा भी बहुत है कि ट्रेनर्स थ्योरिकल करके अपने आप को मतलब कि साइंटिस्ट बन जाते हैं, 3 सर्टिफिकेशन प्रैक्टिकल 70% मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिकल, आज से अगर आप 10 ईयर्स पीछे जाएंगे, आर्नोल्ड क्या वो साइंस पे डिपेंड था? करेक्ट, वो तो पूरा ही प्रैक्टिकल था, विल पावर मतलब इतने, और मैं अपने आप से ही लेता हूँ कि मैं अगर 6 साल से पीछे जाऊँ तो मैं क्या इतनी सप्लीमेंटेशन ही लेता था जितनी आज ले रहा हूँ, और उस टाइम भी बॉडी काफी ठीक थी, करेक्ट, आई रिमेम्बर, ठीक है, बट अब सप्लीमेंटेशन ये सब एक मार्केट है, ठीक है, कि हम वो चीजें हम न्यूट्रिशन में आज के टाइम में नहीं ले पा रहे हैं जो फूड से, तो वो चीज़ें हम सप्लीमेंटेशन से पूरी करते हैं, बट उसका मिसयूज़ ना करें बस, वो हमें पता होना चाहिए कि हम उसका मिसयूज़ ना करें। सो डेफिनेटली आई थिंक ये तो बहुत ही बेसिक बातें बोली, लेकिन बहुत ज़रूरी, क्योंकि
लड़का जिम ज्वाइन करता है, बिल्कुल पतला है या बहुत मोटा है, उसको या तो फैट बर्नर दे दिया जाता है या उसको प्रोटीन थमा दिया जाता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी लड़के देखे हैं 18-19 साल के, कि जो जिम ज्वाइन करते हैं फिर वो प्रोटीन भी ले रहे हैं, वो बीसीए भी ले रहे हैं, वो ग्लूटा भी ले रहे हैं, क्रिएटिन भी ले रहे हैं, और उनको भी जिम ज्वाइन किए हुए ही 3 महीने हैं जिंदगी में। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आप सप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना एक ब्लड टेस्ट तो जरूर कराइए। क्या कराना है, क्या देखना है उसमें? ब्लड टेस्ट में LFT, KFT, SGH, मतलब सारा चीज़ उसमें देखना है आपको, कि शुगर तो नहीं है आपको, डायबिटिक तो नहीं है आप, तो प्रोटीन भी उस हिसाब से ही आप लेंगे। करेक्ट, ठीक है। सप्लीमेंटेशन भी आप उस हिसाब से लेंगे ना, आपका क्रिएटिन कितना है बॉडी में। ओके, ठीक है, तो कितनी, मतलब क्रिएटिन भी अगर आप ले रहे हो या ग्लूटामाइन भी आप ले रहे हो तो किस, मतलब आपकी बॉडी क्या पूल बना रही है, क्योंकि हमारी नेचुरली भी बनाती है बॉडी ग्लूटामाइन भी, क्रिएटिन भी, दीज आर अमीनो एसिड्स। हाँ जी, तो वो नेचुरली भी बनाती है, वो डिपेंड करता है कि बॉडी टू बॉडी, कि आप वो कैसे जानोगे आप, जब तक आप अपना टेस्ट नहीं कराओगे। और आफ्टर सप्लीमेंटेशन या आप एनाबॉलिक्स के बाद में भी टेस्ट कराना चाहिए कि आपने वो चीज़ें ली हैं तो उसके साथ प्रिकॉशन, जो मोस्टली, ये भी एक बड़ा अच्छा, मतलब इसका आंसर देना चाहूँगा प्रिकॉशन का। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ बताएं। कि यहाँ पे इंडिया में मोस्टली सप्लीमेंटेशन पे और उस पर खर्च करते हैं, बट प्रिकॉशन पे कोई नहीं आता। करेक्ट, ठीक है। एक थोड़ा सा प्रिकॉशन से क्या मतलब, मिसगाइडेंस, प्रिकॉशन मीन्स आप एनाबॉलिक्स पे हैं, हाँ, या सप्लीमेंटेशन पे हैं, हाँ, तो उसके साथ प्रिकॉशन हमें लीवर, किडनी, आप हर्ट किस तरीके से संभालेंगे, ऑर्गन्स को बचा के चलना है, कैसे संभालेंगे। ओके, ठीक है। सप्लीमेंट काफी लोग आपने देखे होंगे बोलेंगे मैं इतने टाइम से सप्लीमेंट ले रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है एनाबॉलिक्स, वो क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? सप्लीमेंट आप बॉडी में डाल तो रहे हो बट उसको बैलेंस कहाँ से करेगी बॉडी, और कैसे है, क्या करें फिर? देखिए, एक तो हमारी डेली की जो नीड है न्यूट्रिशन की, विटामिन्स हो गया, लीवर, किडनी, अब वो डिपेंड करता है आप किस एनाबॉलिक्स किस लेवल पे ले रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल कीजिए, या आप जिस भी कोच के अंडर में कर रहे हैं वो आपको शेड्यूल करके देगा कि आप इतना एनाबॉलिक्स ले रहे हैं, तो इस हिसाब से सप्लीमेंटेशन प्रिकॉशन के तौर पर रखिए। आपका डेली विटामिन्स कितना नीड है, आपका ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, या जो भी, मतलब आपको बॉडी के हिसाब से नीड है, आपको ये लेना है, आपको मिल्क थिस्टल कितना चाहिए बॉडी को, आपकी बॉडी को, मतलब डायबिटिक है तो उस हिसाब से किस तरीके की डाइट लेनी है आपको, प्रोटीन्स किस तरीके से लेने हैं, तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। And, अभी थोड़े से क्वेश्चंस ले लें वो लोगों के। हाँ जी, बिल्कुल। सो मैं YouTube पे ही हूँ, एंड इफ यू सी ये वी लुकिंग एट द एंटायर YouTube जहाँ पे हमने पोस्ट किया था। सो संजू ने हमसे पूछा था कि एल्बो इंजरी के ऊपर एक वीडियो बनाए, अब वीडियो तो नहीं बना सकते, तो ये टेनिस एल्बो और एल्बो इंजरी कैसे होती हैं, किन एक्सरसाइजेस से होती हैं और इनकी रेमेडी क्या है? हाँ जी, मैं टेनिस एल्बो के लिए बताना चाहूंगा, ये मोस्टली एथलीटों में ज्यादा होती है, वो किस लिए होती है, और आजकल तो बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, वेट ट्रेनिंग्स में क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है, मैं बताता हूँ। हम कोई भी बॉडी पार्ट करते हैं वर्कआउट का, तो हमारे बॉडीज के ना लॉक्स होते हैं हर बोन्स, आप बॉडी पर डिपेंड करता है कौन से बॉडी पार्ट का कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरा लॉक, कहने का मीन से एक प्रैक्टिकली मैं समझाना चाहूँगा उस चीज़ को, अगर आप हम आर्म्स कर रहे हैं तो आर्म्स करते हुए हमारी ये लॉक है एल्बो में, ठीक है, अगर आप इसको पूरा स्ट्रेट करके ये करेंगे तो ये टेनिस एल्बो आपका होना ही होना है। अच्छा, ये लॉक हो जाता है यहाँ पर, कोई भी बोन होगा ये लॉक है, तो ये खींचना नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब जैसे एल्बो का ये आ रहा है कि कितना, मतलब प्रॉब्लम आ रही है एथलीट्स में, तो वो इस वजह से आ रही है क्योंकि प्रॉपर उनका वर्कआउट का जो पोस्चर होता है वो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है उसमें? पोस्चर एक ये ठीक नहीं है कि जैसे वर्कआउट हम कोई भी करते, जैसे आर्म्स का वर्कआउट करते हैं हम, कोई भी डंबल लेते हैं, एक प्रैक्टिकली डंबल ही ले लीजिए, आप डंबल लेते हैं तो हम डंबल ये इस रेंज ऑफ मोशन में, बिल्कुल आपको मोशन पर डिपेंड करता है उसको कितना नीचे लेके जाए, हाँ। अगर आप उसको प्रॉपर लेके जा रहे तो ये आपका प्लेन आउट हो गया, ये नहीं करना है। हाँ, एक ये अगर आप इसको थ्योरिकल ले लेंगे तो इसको प्लेन आउट बोलते हैं। अच्छे, ठीक है, तो ये आपका प्लेन आउट हो गया तो मसल बोन जो हमारा लॉक हो गया यहाँ, लॉक होने, आप उसको बार बार लॉक करेंगे ये नहीं करना, तो ये इंजर्ड करने की निशानी, तो ये तो लेग में भी होता है, जब आप लेग कर्ल कर रहे हैं तो लोग बिल्कुल सीधा करते हैं, लेग कर्ल से तो फिर भी 19-20% मतलब वो होगा, अगर आप स्क्वाट पे सबसे ज्यादा इसमें होता है कि आप, मैंने देखा है काफी लोग स्क्वाट करते हैं तो फुल स्ट्रेट यूं थाई को स्ट्रेच करते हैं ऐसे, वो वापस खड़े होते टाइम, खड़े होते टाइम, वो खड़े होते टाइम पूरा स्ट्रेट स्टार्ट वो नहीं करना, बॉडी नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, मतलब नहीं वो रखना है, आप लेग प्रेस कर रहे हैं हल्का सा, मतलब ये नहीं कि पूरा, मतलब वो करो हल्का सा, उसको ये रखना है बोन, ठीक है, वो तो कभी भी किसी भी जॉइंट को फुली लॉक नहीं करना है। एक अगर आपको अपने ज्वाइंट्स बचाने हैं तो, और दूसरा फिर न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन में ये है कि आप
कोई भी बोन्स के काफ़ी सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो ले सकते जैसे? हैं, जैसे कि जॉइंटमेंट आता है, ठीक है, वो ले सकते हैं आप, और कैल्शियम ले सकते हैं आप, ठीक है, ये चीज़ें मेंटेन कर, वो डिपेंड करता है आपकी सप्लीमेंटेशन कैसे, प्रिकॉशन कैसे मेंटेन कर रहे हो आप अपना डाइट में। एक और हमारे पास क्वेश्चन था, राज गहलोत ने हमसे पूछा था कि एग्स कब खाने चाहिए, सुबह को या शाम को? एग्स का देखिए, एक तो ये है कि एक प्रोटीन सोर्स है एग्स, हमारा एग वाइट प्रोटीन सोर्स है, तो उसमें ये है कि आप उसको लेने के लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं, बट ये है कि डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी आपको डाइजेशन किस हिसाब से करते हैं। अगर मेरे को लोगे, मैं थोड़ा नाइट में अवॉइड करता हूँ एग वाइट्स खाना, क्योंकि नाइट में थोड़ा ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं एग्स, ठीक है, तो आप थोड़ा कोशिश करिए मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, उस टाइम थोड़ा, और वर्कआउट के बाद आप अपना एग वाइट ले सकते हैं। तो एक और चीज है, वर्कआउट के फौरन बाद काफी लोग, जैसे वर्कआउट फिनिश ही किया है तो कुछ लोग फटाफट प्रोटीन शेक पीते हैं और उसके फौरन बाद एग्स खाते हैं, क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? नहीं, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, मेटाबॉलिज्म कितने उसमें डाइजेस्ट कर रहे हो आप उस चीज को, वो थोड़े टाइम में आपको पता चल जाता है मेरी बॉडी एग्स कितना एक्सेप्ट कर पा रही है एग वाइट, उस हिसाब से लीजिए। ये नहीं कि आपके कोचेज ने बता दिया कि भी 50 एग सबकी डाइट में, तो 50 एग ही खाएगा, वो डिपेंड करता है आपको वो डाइजेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे कितना कंज्यूम। हाँ, आपकी बॉडी चिकन कितना, मैं ज़्यादा चिकन नहीं खा पाता, मैं चिकन ज़्यादा मतलब कुछ कह लो कि मैं डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता उस चीज़ को, और मतलब खाने में थोड़ा मुझे अजीब, मैं एग वाइट थोड़ा फिश को ले लेता हूँ, थोड़ा चिकन, मतलब डिवाइड कर लेता हूँ प्रोटीन्स को अपना इन चीज़ों में। ओके, और मैं नॉन सीजन में होता हूँ तो मैं बिल्कुल ही चिकन, मतलब ऐसा होता है मेरा कभी कभार वाला। इनको देखो जरा, मतलब ये एग्स भी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है कि 30-35 एग्स खाते हैं ये, और चिकन भी इतना कम खाते हैं, फिर भी सच एन अमेजिंग फिजिक रोहित हैज। बस ये थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा मतलब ये नहीं कहता कि 100%, मैंने मेहनत भी बहुत करी है इस चीज के पीछे, हार्ड वर्क मैंने बहुत करा है। आज के टाइम में मैं एथलीट्स को देखता हूँ तो कि इतना वर्कआउट तो करते भी नहीं होंगे जितना सप्लीमेंटेशन पे डिपेंड है। करेक्ट, और जब मैं मेहनत करता था, जब मैं सप्लीमेंट तो पता ही नहीं था हमें होता क्या है। तो एक सवाल ये भी था, ये पूछा था अक्षय चेरफले ने हमसे थोड़ी देर पहले ही पूछा था कि पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में बताइए, तो अब जब आप मेंशन कर रहे हैं तो पोस्ट साइकिल थेरेपी की जरूरत क्या है, और अगर नहीं ली तो लॉसेस क्या है, हार्मफुल क्या है? मैं सबसे पहली चीज बताता हूँ, पोस्ट साइकिल किस लिए जरूरी है। पोस्ट साइकिल हमारी जरूरी है तो सबसे पहले आपका बॉडी बैलेंस करने के लिए, जो आपने एनाबॉलिक्स लिए हैं उसको हम बॉडी से, ये नहीं कहते कि 100% चले जाएंगे बॉडी में से, बट ये है कि वो बहुत कुछ हेल्प करेगा, आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं आने देगा, ठीक, आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखेगा, आपके टेस्ट लेवल को मेंटेन रखेगा। अगर हम कुछ भी लेते, सारे टेस्टोन बेसिक एनाबोलिक होते हैं, करेक्ट, ठीक है, अगर हम वो सारे लेते हैं तो हमारा टेस्टोन बूस्ट करता है, अप आता है, बट उसको हम, ये तो है नहीं लाइफ टाइम लेंगे, उसको अगर हम छोड़ेंगे फिर तो डाउन आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो आप पोस्ट साइकिल, उसको प्रॉपर पोस्ट साइकिल तरीके से करेंगे तो पोस्ट साइकिल के बाद फिर आपके टेस्टोन बैलेंस आने शुरू हो जाएंगे, बट अगर आप नहीं करोगे तो टेस्टोन हमारा वहीं के वहीं स्टक हो जाएगा, तो इसलिए और इससे फिर काफी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, और जो आ भी रही है, मैंने बहुत बताएं एक दो प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ये है कि 18-19 की एज से नीचे आप एनाबॉलिक्स ले लेते हैं तो आपका एक नेचुरली बॉडी टेस्टोन प्रोडक्शन करती है, जो वो ही बंद हो जाएगा बिल्कुल। आप कम से कम अपनी एज को 20-21 के बाद सोचिए, मतलब कि सप्लीमेंटेशन पे आए फिर अपना एनाबॉलिक स्टार्ट करें। मैं भैया आपसे बता रहा था, जैसे हमें तो एनाबॉलिक्स का एबी भी नहीं पता था उस टाइम, ठीक है, और मिस्टर दिल्ली भी जीते थे, मतलब और उस समय जितनी रिफाइंड बॉडीज होती थी उतनी आज भी नहीं होती हैं। हाँ, बिल्कुल, और उस टाइम के आप प्लेयर देख लोगे, सच में मैं चाहता हूँ कि अगर जितने अगर पुराने एथलीट भी सुन रहे हो मेरे दोस्त, तो मैं चाहता हूँ कि यार वो वापस आए इस फील्ड में, दिखाएं कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को ऐसा कि बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ, मतलब इंडिया में नहीं इंटरनेशनली, बट उनको सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट एक फैमिली से ही नहीं होता सारा, एक सपोर्ट होता है कि आपको कोई सीढ़ी मिल जाए बस, एक इस गेम को सिर्फ एक जो चीज़ चाहिए वो सिर्फ यही चाहिए कि एक सीढ़ी स्टेप मिल जाए बस, कोई स्टेप दिखाने वाला मिल जाए हमें बस। मेरे बहुत इमोशंस मतलब जुड़े हुए हैं इस गेम से, मैं सच में मैं रोने का सही मतलब एकदम वो है, बट मैं चाहता नहीं कि ये चीज़, मेरी फीलिंग्स ऐसी जुड़ी हुई हैं इस गेम से कि बस पूछो मत, मैं इस गेम के लिए कुछ भी मतलब होगा। आपको टाइम भी बहुत हो गया, 15-17 साल हो गए आपको इस गेम में, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मैं किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता, गलत मतलब अगर मेरी आंखों के सामने अगर कोई गलत चीज़ उसको मतलब ले रहा है, और मेरे एक बार अगर मैं नहीं बोलूँ मेरे मन में आएगा, मतलब घर तक मैं ये सोचता रहूँगा कि मैं यार इस बंदे ने ये चीज़ें मतलब बताई, उसको उसके लिए ये चीज़ गलत हो जाएगी लाइफ, बट मैं उसको
खुद मन से मैं बोल नहीं सकता उस चीज को। तो रोहित कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर कुछ सही करने का सोचना है तो नाउ इज द टाइम। सबसे ज्यादा गड़बड़ आज के टाइम में भैया ये हो गया कि हम किसी को अगर बता रहे हैं ना तो वो भी मतलब नेगेटिव ही सोचता है यार अपना, मतलब मेरे को तो उसने अच्छा बताया, तो ये भी प्रॉब्लम बहुत आ गई। थोड़ा समझने की जरूरत है ये चीज़ की, अगर आपको कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या फ्रंट फॉरवर्ड आपको अच्छी चीज़ बता रहा है तो वो गलत नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छी बता रहा है कुछ, आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ को सिक्योर कर रहा है, और वो कि जब आपको बता रहा है वो इन चीज़ों को देख रहा है और देख चुका है और समझता है और सब सारी लाइफ का एक्सपीरियंस ले रहा है कि सीख भी रहा हूँ मैं जिस चीज़ को, मैं सीख भी रहा हूँ, लर्न भी कर रहा हूँ हर चीज़। तो आई होप आप सब लोगों ने सुना कि रोहित कितनी इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं और कितना इमोशनली ये बता रहे हैं दैट अपने आप को सेफ और सिक्योर करके चलना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, करेक्ट रोहित? बिल्कुल, मैं यंगस्टर के लिए तो खास तौर पे ये बोलूँगा कि बिल्कुल भी मतलब जल्दीबाजी ये ना दिखाएं कि आप किसी की भी मतलब सोशल मीडिया पे फोटोज़ देखें एथलीट की कि भाई मुझे तो बस ऐसा बना दो, ऐसा बनना है मुझे, गलत फहमियों में ना आए। वो आप होंगे तैयार, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी होएगी तैयार, बट उसके आप नेगेटिव वो भी लेके चलिए कि आप जितना जल्दी चलोगे उतनी जल्दी गिरोगे भी। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों की तो जर्नी इसीलिए एंड हो जाती है क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी में लग जाता है मुझे तो सब आता है और फिर वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। मैं यही चीज़ सबसे जो अपने आप को ये कहेगा ना, आपका चाहे वो कोच हो चाहे कोई भी हो, जो ये कहेगा कि मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, परफेक्ट तो कोई है ही नहीं इस लाइन में। आप हेनरी लोमबार्ड को ले लीजिए चाहे एरिस्टो स्प्रिट को ले लीजिए, जो बड़े बड़े कोच हैं, ठीक है, अगर वो भी ये कह दें कि 100% हम बिल्कुल मतलब परफेक्ट हैं, नहीं, वो भी लर्न कर रहे हैं सब चीज़ें। और सारे अच्छे एथलीट्स हैं वो भी यही कहेंगे, जो मतलब एक अच्छा एथलीट है वो हमेशा यही सोचेगा कि मैं लर्न करूँ इस लाइन में, कितना सीखूँ मतलब इस चीज़ में, क्योंकि इसका एंड नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी बॉडी है, आपको किस तरीके से लेना है वो आप पे डिपेंड करता है, और बॉडी की ग्रोथ का भी तो एंड नहीं है। अगर आपका एम है 18 इंच का बाइसेप है, 20 इंच का बाइसेप, तो वो 21 भी हो सकता है, 21.5 भी हो सकता है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, प्लीज प्लीज, ऑल योर्स। मैं एक चीज ये बोलूंगा कि मैं काफी जैसे मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यंगस्टर्स को, मैं बताना चाहूंगा ये गेम ना थोड़ा पेशेंस का तो है ही है, साथ में ये गेम है कि आप अपनी बॉडी को समझिए कि भाई मेरी बॉडी मतलब है बॉडी बिल्डिंग के लायक या किसी भी फिटनेस एथलीट बनने के लायक, या मैं उस फेडरेशन में मतलब कुछ समझने का मीन्स ये नहीं कह रहा मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ किसी को कि भाई आप मत करिए, कहने का मतलब मैंने देखा है आज के टाइम में इतनी सारी फेडरेशंस बन गई हैं, आप जेन्युइन फेडरेशंस में ना खेल कर आप फेक फेडरेशंस में खेल रहे हैं, आप मिस्टर इंडिया भी बन गए, मिस्टर दिल्ली बन गए, बट यूजलेस हैं वो चीज़ें। जब तक आप किसी अच्छी फेडरेशन में नहीं खेलेंगे तो वो यूजलेस फेडरेशनों में खेलने के, मिस्टर इंडिया आप चाहे 50 बार बन जाओ, चाहे मिस्टर हरियाणा बन जाओ, चाहे दिल्ली बन जाओ, कोई फ़ायदा ही नहीं है उन चीज़ों का। सो रोहित ने हमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई और आपके कुछ क्वेश्चंस भी रोहित ने आंसर किए। रोहित, बिफोर वी क्लोज दिस, एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव? बस मैं मैसेज सब जनों को यही देना चाहूँगा, यार अपनी लाइफ को ना मतलब एक छोटा मत समझिए, आप अपनी लाइफ को एक ये समझिए कि एक मतलब गॉड गिफ्ट मतलब एक ऐसा है आपके पास कि अपनी लाइफ को एक प्योर बनाइए, फेक मत बनाइए, तो कोशिश करिए जितना प्योर रहें आप उतना अच्छा है। ओके, सो आई होप आपको कुछ समझ आया होगा और आप इस वीडियो पे ज़रूर अपने कमेंट्स पोस्ट करेंगे। अगर आप रोहित से कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आपके इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, और अब इनका एक और नया अकाउंट है, बताएंगे उसके बारे में। मैंने अभी 2-3 days पहले से एक वो टिकटॉक कुछ फेमस हो रहा था, मेरा फ्रेंड बोला कि आप स्टार्ट करिए, मैंने स्टार्ट किया तो उस पर 5 million के करीब पहुंच गए 2 days में, मतलब वीडियोस पे व्यूज। तो मैं भी मेरे को भी नहीं पता था ये चीज़, फ्रेंड ने जब मुझे बताया तो मैं भी एकदम शॉक्ड हो गया, मैंने कैसे कैसे, और एक ही दिन में 50,000 से ऊपर फॉलोअर्स, और मतलब ये तो मुझे अच्छा लगा और मेरे को एक बूस्ट भी मिला है आगे के लिए कि मैं हाँ मुझे करना है। बट स्टिल रिमेंबर दिस मैन इज नॉट आफ्टर फॉलोअर्स, जितना मैं इनको समझ पाया हूँ ये बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत पेशेंटली चल रहे हैं और इनका टारगेट बिल्कुल फिक्स्ड है ना। मेरा मैं अगर पर्सनली मेरा टारगेट और गोल मैं बताऊं तो मेरा गोल है कि मैं इंडिया को ला के दूँ मिस्टर को। मैं ये नहीं कहता कि मैं कि भाई उस चीज़ को श्योरली ये बोल रहा हूँ कि हाँ भाई, बट मेरे एक जो गट फीलिंग बोलती है कि हाँ मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, और जो अगर इतना मतलब सब मुझे बूस्टअप करते हैं तो मुझे पता है कि वो लोग ऐसे ही हम सबको भी लगता है कि आप कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं हाँ
मेरा एक गोल है कि मैं लंबा, मैं वो जल्दीबाजी में नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ के साथ भी नहीं खेलूंगा उस चीज़। बिल्कुल, आई थिंक अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस मिक्स्ड विद अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट बॉडी बिल्डिंग हियर इन रोहित। कॉन्टेस्ट खेल भी लूंगा छोटे मोटे, अगर मतलब छोटे मोटे नहीं कहूंगा, जो कोई कॉन्टेस्ट छोटा नहीं होता, सारे कॉन्टेस्ट बहुत, हर एथलीट की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे वो मिस्टर कॉलोनी भी बना होगा ना, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट ये करता हूँ कि उसको बहुत मतलब अपने आप को अगर चेंज करना पड़ता है, एक लाइफस्टाइल उसका बहुत चेंज हो जाता है। तो थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस रोहित, आप आए, आपने अपना टाइम निकाला एंड मुझे टाइम दिया आप अपने आप। ये तो मेरे लिए, मैं ग्लैड फील कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने मुझे अपने एक मतलब प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह दी आने के लिए, कि मैं मतलब एक बता सकूँ यंगस्टर्स को भी, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं यार कुछ बताऊँ यंगस्टर्स को, कैसे बता सकूँ, ठीक कैसे मैं उस चीज़ को बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स बताऊँ कि भाई आप जो चीज़ें कर रहे हो गलत कर रहे हो, थोड़ा सा एक लाइन पर आ जाइए, ठीक है, आप अपने आप को समझिए, अपने कोचेज को समझिए जो आपको गाइड कर रहे हैं, कि बहुत जल्दी का गेम नहीं है बिल्कुल। तो विद दैट नोट आई थिंक मैं फिर से यही कहूँगा दैट इट इज़ ओनली, ये सिर्फ हमारा ऑनर है कि हम आप जैसे जेन्युइन बंदे से बात कर पाए, और आगे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे हम आपको स्टेज पे ले जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों से बात कर पाए, उनको बता पाए, वो आपसे सवाल पूछ पाए, कुछ क्यों नहीं कर पाए, तो वो ज़रूर मैं ध्यान में रखूँगा कि हर ऐसी जगह पे हम आपको बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज शेयर कर पाएँ। थैंक्स, मैं नॉलेजेबल बंदा तो नहीं हूँ इतना, बट ये है कि मैं लर्न करता हूँ, जो जो मैंने मतलब लाइफ से फिटनेस से सीखा है वो मैं किसी को शेयर करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, चाहे मैं वो अपने क्लाइंट्स को ले लीजिए, चाहे मैं मतलब जो अपना एक एक्सपीरियंस है जो छोटा ले लीजिए, चाहे थ्योरेटिकल ले लीजिए, प्रैक्टिकल ले लीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ हो वो जेन्युइन हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच रोहित फॉर कमिंग। थैंक्स ब्रदर। ऑलराइट, टेक केयर।